जहां पर लोग अपने सवाल पोस्ट करते हैं, कोई सवाल पोस्ट करता होगा क्या इन लोगों, कोई सवाल पोस्ट करता होगा कि मुझे पूछना चाहिए नीचे ड्रॉप दे दो, यस आई कैन डू फॉर यू, हियर इज माय लिंक, और यहां पर लिंक का जो सारा कुछ जो है आप कर सकते अपने वहां पर। अच्छा, उसके अलावा आपने अपने मोबाइल के अंदर ऑटो रीलोड लगा देना है, जो कि आपके मोबाइल में चार्जिंग जो है कोशिश करें जो भी सेंटर है, अगर आपके पास दो मोबाइल है तो बड़ी अच्छी बात है, आप एक मोबाइल को फुल चार्ज कर लें, अपने मोबाइल में चार्जिंग फुल करने के बाद जब आपके मोबाइल में ऑटो रीलोड एक्सटेंशन लगा होगा तो आपका फाइबर अकाउंट जो है वो 24 घंटे ऑनलाइन रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी क्लाइंट सर्च करेगा तो जब वो ऑनलाइन मोड में जाएगा तो आपकी भी उसको शो होगी। उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि आपने अपने फाइबर के अंदर चार डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड करनी है, लाइक एक तो आपकी इंग्लिश हो गई, दूसरी आपकी स्पेनिश हो गई, उसके अलावा आपकी फ्रेंच हो गई, उसके अलावा आपकी जर्मन हो गई, सो इन लैंग्वेजेस को आपने अपने फाइबर के अंदर लगाना है। उसके बाद आपने अपनी 7 वीक्स पूरी करनी है टिल हम लोग नेक्स्ट क्लास करें। इस वीक में, इस क्लास में तो मैं आपकी कुछ प्रोफाइल वगैरह कुछ भी चेक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ कि आप लोगों ने अपने 7 वीक्स को पूरा करना है अपने अगली क्लास, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आप में से किसी भी को भी बोलूंगा कि यार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो गूगल मीट पे और अपनी प्रोफाइल देखो। अच्छा, ये थोड़ा सा हो जाएगा प्रेशर, लेकिन इससे होगा कि आप लोगों के वीक्स बन जाएगी। आपने अपनी 7 वीक्स क्या क्या लगे टेस्ट बना दिए, क्या क्या लिया मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग 10 सेलर्स को ऑर्डर होने चाहिए, कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए, आपकी बिक्री में जो 10 सेलर से बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी गिफ्ट की प्राइस 20% कम होनी चाहिए, किसी सेलर की प्राइस जो है वो लोअर डिजाइनिंग में जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी स्टार्टिंग वाली 10 वीक्स जो है वो $100 से ऊपर की नहीं बिक रही। So, ये क्राइटेरिया है, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्राइटेरिया के ऊपर अपनी लिस्ट को बना लेना है, बनाने के बाद इसी क्राइटेरिया के बेस पे आपने जो है अपने फाइबर को जो है वो अच्छे बनते हैं। उसके अलावा मैंने बता दिया कि अगर आपके 100 इंप्रेशन आ रहे हैं तो आपके पास 10 क्लिक्स आने चाहिए, अपनी इमेज को आपने इतना अच्छा बनाना है जितना आप दम लगा सकते हो लगा दें इसके अंदर। अपने क्राइटेरिया मुश्किल थोड़ा सा होता है इसको मतलब पेश करना, लेकिन जितना अच्छा आप इस पे कोशिश करोगे टाइम लगाओगे सो इंशाल्लाह जब आपका क्राइटेरिया मैच होना शुरू हो जाएगा सो 100% आपको ऑर्डर मिलना जो है वो फाइबर पे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बोला 100%, ये नहीं कि आपने क्राइटेरिया मैच कर दिया तो आप कल ऑर्डर आ जाएगा, समझिए ये क्राइटेरिया लगाने के बाद भी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपने कम से कम अपने फाइबर को 6 मंथ एक्टिव रखना है। अच्छा, इसके ये मतलब नहीं कि 6 मंथ में ऑर्डर मिलता है, अक्सर लोगों को 2 दिन में मिल जाता है, उससे पहले भी काफी लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को 1 मंथ में, कुछ लोगों को 3 महीनों में मिल जाता है, लेकिन मैंने जो बताया हुआ है आपने प्लीज उस पर अमल करना है, उस पर थोड़ा सा अपना टाइम लगा दें फाइबर के ऊपर, इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर कामयाब हो जाओ। उसके अलावा अगर आपके कोई ऑलरेडी क्लाइंट हैं, पता लगने लगे हैं तो आप उनसे जो है वो काम लेते रहें। अच्छा, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, जो मैंने आपको बातें बताई, आपने इन बातों के ऊपर इन क्राइटेरिया, अच्छा आपने अभी गिग्स बना ली, फॉरगेट इट्स फाइन, अभी आप लोगों ने प्रोफाइल बना ली, गिग्स बना ली, अभी जाकर आप लोग अपनी गिग्स को चेक करो क्या आपकी गिग मेरे इस बताए हुए क्राइटेरिया से मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो कोशिश करें अपने उन गिग्स को अपने इस क्राइटेरिया पे जाकर मैच करें। सो अगली बार जब कोई क्लाइंट फाइबर के ऊपर सर्च करे, ऐसा एक भी रुकेगा जी, मैं चाहता हूँ ये अपनी गिग्स को चेक कर लें आप लोग कि जो इन्होंने बात कही है क्या उस क्राइटेरिया में आपकी गिग्स होती है, चेक कर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा
सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या हम सवाल ले रहे हैं या फिर अभी सवाल आखिर में करें? नहीं नहीं, आप अभी आप सवाल ले लें, मैंने आपसे या अब आप मेरी बात सुनिए, आप जो चेक करें और आज आप खुल के सवाल करें है मैम, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों नहीं आपके ऑर्डर्स आ रहे, इस पर बात करें, ठीक है? जी आप सर, आप सर, आप जिस वो बच्चों को कह रहे हैं जो आप ऑनलाइन सवाल ले, जी जी आ जाए, सब शुरू हो जाए, आप आपके सबसे पहले कौन करें, आप करेंगे ये बोले हम बताएंगे। लेकिन आप उसको चेक करें कि आप जो मैंने बताया क्राइटेरिया रिगार्डिंग प्राइसिंग, उसको जाकर चेक करें, अपनी सर्च में जाएं, उधर जाके चेक करें, आपने सारे क्राइटेरिया को पेश करना है सारे, लेकिन आपके क्लिक्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बिल्डिंग इमेज है वो अच्छी होगी। थैंक यू थैंक यू, ठीक है साइमा, हां तो सवाल आप ये पूछें कि मेरे ऑर्डर मैंने आपने 6 पीस बना लिए ना, तो मेरे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, आप पूछें। अच्छा जी, कोई और सवाल आप लोगों का रिगार्डिंग क्राइटेरिया, और अपने गिग्स को शेयर कर दें, कर लें अगर ये गिग्स को शेयर करना चाहते हैं कर जी अच्छा साइमन, आप पूछे सवाल जी, ये बोल रही हैं आप, सब बोल रही हैं प्रेशन मंथ 39 बट 1 और 0 क्लिक, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपने अपनी डिग्री पे जो है वो आप लिख के भी सेंड कर सकते हैं, चेंज करना है। बिलामिन उनसे सवाल पूछो, जी जी आला डिजिटल एक मिनट, ये सवाल सवाल कर रहे हैं आप, और बंद कर दीजिए गलत इसको, दूसरी बात, हम लोग रात को सो रहे हैं, क्या अगर हमारा अकाउंट ऑनलाइन है और क्लाइंट आएगा उससे क्या हमारा रेस्पॉन्स रेट खराब नहीं होगा, ये सवाल है सजा का, तो उसका जवाब भी है कि जब आप लोग फाइबर के ऊपर ऑटो रीडर लगाते हो और आप लोग रात में होते हो, ऐसा जो टाइम आपको रात के टाइम जो भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं और आप उनका रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो इससे आपका रेस्पॉन्स रेट खराब नहीं होगा, फाइबर आपके बायर को खुद शो करता है इट्स नॉट टाइम, ये इनका रात का टाइम एंड मे बी आपको लेट से रिप्लाई, तो इसलिए आपका रेस्पॉन्स रेट खराब नहीं होगा।
आप वीडियो पर सर्च कर रहे हैं, आप वीडियो बात करते हैं, मुझे खुद 2 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, उसका कोई नुकसान नहीं जी। और कौन सवाल करेगा? आपने अपने क्राइटेरिया में ये है कि पाकिस्तान में जो 10 लीग्स हैं उन सबके पास ऑर्डर्स होने चाहिए। दूसरी बात, 2 ऑर्डर तो होने चाहिए, ठीक है जी। एक तो किसके पास है सर? एक तो जिनके पास ऑर्डर नहीं है क्राइटेरिया में, तो आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा मैक्सिमम जो 10 लीग्स हैं उनके पास ऑर्डर्स होने चाहिए। आपकी जो प्राइस है आप उनको 20% कम करना है। रेटिंग सबके पास होनी चाहिए अच्छी सी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ये है कि आपका कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए, ये कुछ इसका क्राइटेरिया है फाइबर का। और क्राइटेरिया में यह है कि जो इसकी स्टार्टिंग वाली जो 10 गीग इमेजेस है सबकी, आपने अपनी इमेज को उनसे अच्छा बनाना है, ठीक है जी। रेटिंग नहीं आ रही है तो आपका उसमें क्राइटेरिया नहीं आ रहा है। उसके बाद सवाल है कि मैंने 2 गीग्स बनाई है लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि शायद किस कौन सी बनाऊं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आप सर्च करें लोगो डिजाइन चले जाए, छोटी लोगो डिजाइन, कैपिटल लोगो डिजाइन, मूवी लोगो डिजाइन, बहुत आप लोग उसे सर्च करें, इंशाल्लाह आप कॉम्प्लिकेशन रेटिंग मिल जाएगा। सर पहले मेरी गिफ्ट थी 87 इंप्रेशन थे और 3 क्लिक थे, अचानक कम हो गया इंप्रेशन। अच्छा जी, इंप्रेशन कम तब तब होते जब आपकी गिग परफॉर्म नहीं करी होती। फाइवर पे सब लोग गिग बनाते हैं, आप अगर आपको अपने आप को एज अ फाइवर के ऑनर लो तो आप भी कंफ्यूजन है ना कि मैं किसको रैंक करूँ किसको डिलीट करूँ। तो ये फाइवर का एल्गोरिथम है, आपने इसके अंदर परेशान नहीं होना है, आपने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी। उसके अलावा सवाल है कि रेटिंग नहीं आ रही, देखिए आ जाएगी। सर मैंने वाटरमार्क रिमूवर पे भी बनाई थी कि फाइवर ने रिमूव कर दी, तो फाइवर के पॉलिसी से क्लॉक होगा। लो कॉम्पिटिशन कितना होना चाहिए? 5K से नीचे, जितना आप लोग कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए जो है ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा सवाल है हमारे पास, अच्छा और कोई नहीं, और कोई सवाल केट में घटे जाएंगे केन भी उसमें कॉम्पिटिशन कम होना चाहिए और उसमें ऑर्डर कम होना चाहिए। तो कम में से अगर 5 के बाद हम लोग एक कीवर्ड सर्च करने से 60,000 आ रहे हैं, ऑर्डर्स जो है देख पॉपुलेशन 60,000 है, उससे कम करें 10,000 आ रहा है, तो उसमें भी ऑर्डर से अगर हम उससे कम करें 1,000 आ रहा है। अच्छा जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक चीज सर्च की जिसमें 60,000 आ रहा है पॉपुलेशन, उसके बाद आपने दोबारा की वर्ड सर्च किया जिसमें 50 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, ठीक है। 10 में ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद जब 1 आया उसमें 2,000 कॉम्पिटिशन, देख लो ऑर्डर्स नहीं है तो फिर आप लोग 10 वाला इस्तेमाल करें, ऑर्डर्स होना लाजमी है। बात समझ में आई आपकी? यानी दोबारा से दोबारा सवाल करूंगा आगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, गिग दिखा रहे हैं आपको और इनके गिग्स के अंदर जो है वो ऑर्डर निहाल कर इनकी गिग्स को देखें, फिर एक बच्ची रमान कर मैं तो आपको गिग दिखा रहा हूँ, इसने भी 6 गिग बनाए, इनके ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है देख लीजिए। थैंक यू रमान, थैंक यू बेटा। रामी तुम्हारे घर क्राइटेरिया क्राइटेरिया है जो मैंने बनाया हुआ है, कौन सा वाला दिखा रहे? इनका QR कोड, ये देख ले QR।
ये QR कोड वाला देख रहे ये इन्होंने बनाया है कोई देख रहे हैं आप लोग इसमें इसमें क्या मिल जाते हैं कि आप इधर आप इधर ऑर्डर नहीं करते बोलो अच्छा मुझसे साहब मैंने एक ग्रुप बनाया था उनकी बर्थडे वाले के साथ हाँ जी 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 अगर आप ये लिंक्स मुझे वहाँ पर सेंड करें तो मैं लिंक्स को स्टडी कर सकता हूँ ठीक ग्रुप में डाला रोमान ने ग्रुप में डाला ये ऐसे के साथ तुम भी डालो जाओ ऑनलाइन शो ऑनलाइन तो बनाओ कैसे करते यार मुफ्ती साहब ये अगर लिंक्स मुझे सेंड कर दें आप ग्रुप पे ये सारे जो भी हैं प्रैक्टिस के अलावा इनको मैंने असाइनमेंट दिया है प्लीज आप अगर ठीक कर रहे हैं आप ठीक है मैं इनको स्टडी करके ग्रुप पे डाल दूंगा अभी आप लाइव नहीं देखिए अब मुफ्ती साहब अगर आप यूसी ऑफ है असल में लाइट का इससे चल रहा है यूपीएस चल रहा है तो उसने बस इधर इसको मैं डीप में चेक कर लूँगा ठीक है अब ये मैं तमाम से जाना आपके आपके लिंक्स आपके साथ आप भी भेजें ग्रुप में और नाम के साथ भी अंदाज में प्रॉब्लम है उसको देख लीजिए अब आगे चल रहे हैं इशू ये आ रहा है कि बहुत से बच्चों के 6 गिग्स बन गए हैं कितने 5 बन गए हैं और उन्होंने टाइटल भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया तो अब इनका ये सवाल बन रहा है कि हम ऑनलाइन 24 घंटे रहे या अगर रात 12 से 4 बजे पाँच बजे ऑनलाइन देते हैं तो उससे भी हमारा ऑर्डर आ जाएगा हमें जरा नहीं बनाएंगे फाइवर पे ऑर्डर्स जो आते हैं ना मेरे हिसाब से वो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक इस टाइम में क्लाइंट आ रहे होते हैं एंड उसके अलावा दूसरे क्लाइंट आ रहे होते हैं वो आपको आ रहे होते हैं शाम 6 से लेकर आपको क्लाइंट आ रहे होते हैं कुछ क्लाइंट आपको रात 10 से लेकर 12 तक मिलते होते हैं ठीक है लेकिन आप लोग कोशिश करें 24 घंटे इसको ऑनलाइन रखें सवाल वो सवाल ये सुबह का टाइम है फजर वाला जो टाइम है शाम सुबह 5 से लेकर इस टाइम में गोरे होते हैं अमेरिका के वो अपने ऑफिस से दफ्तर से वापस आ रहे होते हैं शाम हो रही है तो इस टाइम आपको जो है ना वो मैसेजेस वगैरह आपको इस टाइम आ रहे हैं सुबह 5 के बाद अगर आप लोग उठो नमाज पढ़ने के लिए तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी मिलेगा रोमान बेटा आप बेटा जी बेटा ठीक है आप में आपके तो सवाल सवाल ठीक है आप कंटिन्यू करें सर लिंक सेंड कर दिया ठीक है सही हो कि सर जी ऐसा कि ये लिंक्स मुझे सेंड कर दें एंड इंशाल्लाह इन सब के साथ फिक्स पूरी करवाएं फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे मजीद इंशाल्लाह अच्छा मेरी आपसे क्या बात है ये आज हाल है अगले हफ्ते मैं तमाम से सर्टिफिकेट बनवा लूंगा इसका पूरी को मंजूरी है ओके अब आपने अगले हफ्ते 7 गिग्स आप सारे बना लेंगे इंशा अल्लाह कौन कौन आ रहे हां भाई हां भाई मौली साहब बोल रहे हैं मौली साहब 7 गिग्स जो है ना मैं से बनवा दूंगा और आप तमाम से जो है ना ये मैं चाहता हूँ कि फिर आप कोशिश करके या आ सकते हो आ जाए या फिर हम किसी तरीके से इसको तुम्हें कट कर लें लेकिन मैं चाहता हूँ आप आ जाए अगले मंगल तक तो आप मंगल का अगर ये वादा करते हैं तो फिर आप आइएगा मैं बता दूँ और अगर नहीं करेंगे तो मैं मना करूँ बताएं क्या करना है मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगले मंगल के आप कराची आ सकेंगे अगर ये गलत बना ले तो ठीक हो गया डन हो गया आप ये कह रहे हैं इंशाल्लाह अगर आप मंगल तक से यानी पी तक बना देते हैं तो मैं इंशाल्लाह ऐसा को बनाने की कोशिश पूरी करूँगा ठीक है तो और बाकी किसी का कोई सवाल वगैरह ठीक है अली भाई
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। बाकी आप आपसे हम आप कंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हमें कंक्लूड कर दें और फिर आपने वीडियो को खत्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रूबिया रूबिया। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर एक दिन में हम तीन या दो या तीन गिग्स बना लें तो कोई मसला तो नहीं होगा? एक गिग के पीछे दूसरे गिग बनाए, दूसरे के पीछे तीसरे गिग बनाए, तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? हमारे गिग को टाइम लेता है रिसर्च कर करके बने, भले हम जल्दी में नहीं बने। यदि ये कितनी देर के बाद दूसरे गिग स्टार्ट करें, अगर जैसे हम रिसर्च करके सब रखते हैं और एक के बाद एक बनाना चाहते हैं तो एक के बाद कितना टाइम देना चाहिए दूसरी गिग बनाने के लिए? जब आप एक ही दक्षी बना लें तो आप फिर दूसरी बना सकते हैं, उसके टाइम देने के लिए ब्रेक पहले बनाएंगे तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, यानी कोई इशू नहीं है अगर फॉरन बना ली जाए? मोबाइल के अंदर ऑटो रिलोड एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर एंड गूगल क्रोम एक्सटेंशन ग्रीन कलर की इजी ऑटो रिफ्रेश। सर प्लीज से अगेन, ऑटो रीलोड एक्सटेंशन है ग्रीन कलर की मोबाइल में प्ले स्टोर पर। ऑटो रीलोड जो है मोबाइल की है जिससे आप जो है कर सकते हो मोबाइल में। आपको मालूम सर, सर ने लास्ट टाइम भी बताई थी, मुझे मालूम है, आपको मुझे दिक्कत आया जी तो बता दीजिए। ठीक है, क्या और कुछ? अच्छा जी, और कोई सवाल? और किसी का सवाल जो ऑनलाइन लेना है चाहिए गुजारिश में सर आपका सवाल। सर मैंने कुछ एक टॉपिक चूज किया है ना कैनवा उस पे, ठीक है, एक टॉपिक जो है फूड के मुताबिक ना, तो मैं उस पे सिर्फ फूड का ही कर सकती हूँ या मैं उसके अंदर कोई और मतलब फेसबुक पोस्ट लगा सकती हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट एड कर सकते हैं जो हमने शेयर लगाई हुई? जी जी आप कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। अनदर क्वेश्चन? और किसी का वो सवाल तो बता दें। सर आपके जो है म्यूट पे आ रहे हैं, मैंने म्यूट खोल दिया। हेलो 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 किसी और को कोई सवाल करना? फिर ऐसा भाई आप ना आप कंक्लूजन की तरफ आ जाए और कंक्लूड कर दें। मैं काम करता हूँ, तीन दिन ऐसे ये बुला लेते हैं और ये खाना और घुमा लेते हैं, इसका घर करीब होगा फिर घुमा लेते हैं। जी सर, पेंट कर सकते हैं या दुआ दें? लेकिन आप बोल रहे हैं इसको आखिर में आप याद आ रहा है बता दें। सर वो जो डीलोडर था उसको वो राइटिंग फॉर्मेट में दे दीजिएगा।
इस चीज का सर जो रीलोडर आपने बताया गूगल जो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है वो राइटिंग में बता दीजिएगा ना तो सब डाउनलोड कर लेंगे हाँ वो ग्रीन कलर की एक्सटेंशन है प्ले स्टोर पे पे होल्ड ऑन टू सर सर मुझे एक बात और पूछनी थी सर इसमें एफक्यू आंसर होते हैं एफक्यूए तो सर ये गीत में हमने इसके आंसर स्क्रॉल अप कर बनाने होते हैं या अपने हिसाब से बना के लेते हैं या फिर ये जो हमारा क्लाइंट होता है उसके क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा मुझे इसके बारे में प्रॉब्लम हो रही है अगर आप गाइड कर दें तो ऐसा इसको आप ये समझ लें आप अपने आप क्लाइंट समझ लें अगर आप कस्टमर को और आप किसी को पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए तो आप उससे क्या सवाल करेंगे तो वही सवाल आपने ऐसे क्यों डाल दिया ओके थैंक यू सर आप कोई खबर सुना सुनिए 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाएंगे कैनवा से सुनो हमारे 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 अली भाई कह रहे हैं 1 लाख रुपए कैसे कमाएंगे हसन भाई आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छा हमारी 1 लाख रुपए कैसे कमाएंगे काफी लोग के आर्गुमेंट है कि नहीं कमा सकते तो बहुत से आर्गुमेंट है कि 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं कैनवास से और मैं यकीन दिलाए यकीन नहीं आता यकीन नहीं आता लोग 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं आप वर्किंग कर आएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे थोड़ा सा खुलेंगे जब तक हम लोग जाते नहीं किसी रोड में पता नहीं चलता कि करोड़ रुपए क्या है आगे सो अभी आप लोग घूम रहे हो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो सो इंशाल्लाह जब आप लोग मेहनत करके अपनी जर्नी पे पहुंच जाओगे तो इंशाल्लाह फिर आपको 1 लाख रुपए कमाने वाला मंत्र भी मिलेगा ठीक है सर फिर आप कंक्लूड करते हैं हाँ चलेगा ऐसा बाकी ऑनलाइन है बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं आप बच्चे से कह सकते हो बच्चे ऑनलाइन आप है? आप कहें पहले फिर मैं कहता हूँ नहीं आप कहते हैं आप कहें सर पहले आप कह रहे हैं अच्छा आपकी अच्छा आप आंखों में भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे अभी मैंने असम से बात की तो असम ने मुझे कहा कि मौसम भाई कितने इन शाह बना देते हैं इन शाह फीडबैक दूसरे तक उसे करवा दें तो मेरी तमाम असम से गुजारिश है कि आप उस पर जो है जो जो सवाल आज उसने किए और जो बात यहाँ पर किए तो मैंने इसलिए सेशन में रखा था कि आप ज़्यादा सवाल करें क्योंकि पहले तो ये था कि असाइनमेंट नहीं करें कि आपको गिफ्ट बनाना तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गिफ्ट बना दी है तो अब ऑर्डर कैसे लाना है ये आपने सुनाना था अगर इसमें फिर भी किसी ने गिफ्ट नहीं बनाई है जिसमें 4 गिफ्ट बनाई है इसमें 2 गिफ्ट बनाई है उस टाइप की गिफ्ट मुकम्मल करें और डिफरेंट बनाएँ और उसके साथ साथ पीर वाले दिन में है आप एक गिफ्ट मुकम्मल करें ताकि मंगलवार दिन हम ऐसे घूमने वाले और फिर इंशाल्लाह 3 दिन या 4 दिन इनसे हम टाइम ले लेते हैं और फिर मुकम्मल तौर पर आपको एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सवाल हो जाएंगे और आपके सवाल के जरिए आपके मसाइल को हल किया जाएगा उम्मीद है आप मेरे बात को समझ रहे होंगे लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट सुस्तियाँ कर रहे हैं जानबूझकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं या वो गिग्स नहीं बना रहे मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा कि अगर ऐसा है कि अगर हमारी तरफ से कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी पेशी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं हम इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव कर भी रहे हैं और कर भी दिया है लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई स्थिति नज़र आए तो एज अ एडमिन हेड मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा इससे मुराद यही है कि अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते या आप जो काम असाइनमेंट दिया जा रहा है पूरा नहीं कर रहे तो फिर शायद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए तो काइंडली कोशिश कीजिए ये काम मुकम्मल कीजिए और
ताकि आप आने वाले 6 महीने बाद हमें ये याद करने में फसल महसूस हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग के जरिए अच्छे खासे कम से कम हम कहते हैं 1 लाख रुपया हमारा कमा है। तो जजाक अल्लाह, मैं चाहूँगा कि अली भाई ने इस पर कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच मोदी भाई। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इस क्लास की जो लर्निंग हमने की अभी, तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि आप मज़ीद चीज़ों को कर पाएँ। सवालात अभी कम हम ले पाएँ या फिर आप लोगों ने सवाल कम पूछे हैं तो ऑफकोर्स सवालात हो, क्योंकि आप लोगों को जो मुश्किल आएगी तो अनटिल अनलेस मुश्किल आप खुद लाएंगे नहीं तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप एक्शंस लें, गिग्स बनाएं, गिग्स बनाने में जो चीज़ें हो रही है आप लोगों को मुश्किल आ रही है, तो फ्रिक्वेंसी आज क्वेश्चन का पूछा आप लोगों ने काफ़ी, जो है फूड की गिग का पूछा, कौन से गिग्स ऑनलाइन होगा, कौन से चीज़ें जो है हमें ऑनलाइन करना चाहिए है यूज़, किस वक्त हम ऑनलाइन रहेंगे, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑफकोर्स आप लोग भी अपनी क्वेश्चन की लिस्ट बनाते रहें और आपस में भी क्वेश्चन पूछते रहें ताकि आप लोग एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी एक्टिवेट रहें। और कुछ भी सपोर्ट चाहिए है प्लस ऑनलाइन आप लोग रह रहे होते हैं रात को भी, तो ऑफकोर्स अपने टीम वर्क के साथ भी रात में आप जगाएं एक दूसरे को और वो खुद भी ऑनलाइन रहें, तो इससे भी आप लोगों की हेल्दी एक्टिविटी के रहेगी ऑनलाइन रहने की। तो डिपेंड करता है कि आप लोग 11 बजे 12 बजे एक आध 2 घंटे या 1 बजे भी ऑनलाइन रहते हैं, 2 घंटे में भी क्लाइंट बहुत सारे मॉर्निंग वहाँ हो चुके थे तो क्लाइंट उसका भी फ़ायदा उठाएँ। आप लोग टीम वर्क में आप लोग इस तरह भी काम कर सकते हैं, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग और ईसाई मीटिंग्स भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी, जहाँ मेरी नीड हो तो मुझे भी बुला लिया करें। तो हम रात को अगर नींद पड़ी है इनकेस अर्जेंटली ग्रुप में या चीज़ों में तो ऑफकोर्स उस चीज़ को भी हम एड ऑन करते रहेंगे उस चीज़ के द्वारा से, ठीक है। फिर इंशाल्लाह फिर जो है मिलते रहेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे फिर फर्दर इन चीज़ों को और मज़ीद चीज़ें जो है हम करते रहेंगे। थैंक यू।